घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया। एक ही तो बनाया, say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. नमस्ते एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बताइए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। शाम का टाइम है, शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम है, कंफर्म नहीं है कितना था। और यहाँ पर मैं अपना पिटारा खोल कर बैठ गई आज, है ना। सोचा चलो कपड़े खोल के देखे तो ये मुझे है ना ब्लू कलर का ये पीस मिला। इसमें से आराध्या का कुछ नहीं बन रहा था तो सोचा चलो आज इसका है ना एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र ही बना देते हैं, कुछ चीज़ रखने के काम आ जाएगा। क्योंकि और ये सब मैंने है ना वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है, जो कुछ मेरे पास रखा हुआ था उसी को जोड़ जाड़ के मैंने ये बना दिया है। और फिर यहाँ पर बैठ गई थी, बच्चे ये अपना ड्राइंग बना रहे थे, ये क्रिएटिविटी कर रहे थे, तो आपके साथ भी थोड़ा कुछ दिखा दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक पिंक की फैन है, उनकी वीडियोस देखती रहती है। ब्लैक पिंक स्ट्रेंजर ये चीज़ सब चीज़ इसने इसमें अपनी ड्राइंग में लगा रखी है। मुझे वही पक्का वो नहीं है इनका, इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बस मैं आपको दिखा रही थी। देखिए फ्री टाइम में है ना बैठ के करती रहती है और मैं भी नहीं टोकती क्योंकि बच्चा कुछ कर रहा है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी माइंड में चल रही है, अच्छी बात है। उसको देख देख के अथर भी फिर कर ही लेता है, वही है ना बच्चे जैसा देखते हैं ऐसा ही करते हैं। बड़ों से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। अब तो अथर भी इसको देख के करने की कोशिश करता है और पहले उसको कुछ भी बनाना नहीं आता था तो अब तो थोड़ा बहुत बनाने लग गया है। तो थोड़ा सा है ना बच्चों के साथ भी टाइम बिता देती हूँ और फिर से बैठ गई थी। यहीं पर मेरी है ना मशीन रखी जाती है, बच्चे टीवी देखते रहते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं बीच बीच में। और देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर मेरा ये बैग है ना तैयार हो गया है। चाहे इसको है ना आप बाहर भी ले जाओगे तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन ये जो इसका अंदर का पार्ट था पहले सोचा मैंने इसको बाहर ही रख देती हूँ, थोड़ा सा पाइपिन टाइप अच्छा लगेगा, लेकिन ये मुझे है ना अच्छा नहीं लग रहा था। इसका भी करूँगी और इसमें मैंने है ना चेन नहीं लगाई, इसमें वॉलक्रो लगाऊँगी। तो फिर टाइम हो गया था, ये आ गए थे, फिर मैं चाय में लग गई थी चाय बनाने के लिए। और एक बार से फिर लग जाओ ना तो काम रह ही जाता है। फिर ये मैंने ना सुबह को उठ के किया था, हाँ सुबह को सवेरे सवेरे उठ के पहले मैंने अपना यही काम निपटाया था। देखिए ये जो मैं बता रही थी ना ये ऊपर से दिख रहा है, तो मैं इस पर है ना चारों तरफ इस पर सिलाई लगाऊंगी जिससे ये अंदर है ना अंदर की तरफ दब जाए। और फिर इसमें अगर चैन भी लगाना चाहो तो चैन भी लगा सकते हैं बिना चैन के, लेकिन ये ठीक लग रहा है। चैन के लिए दूसरा बनाऊंगी और फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। पहले है ना इस पर सिलाई लगाती हूँ और लगने के बाद मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये इतना सुंदर बन जाएगा। और इसमें मैंने सिर्फ आटा बैग का और नीचे जो इनर का कपड़ा लगता है ना वो बचा हुआ था, वो अंदर की तरफ मैंने वो कपड़ा लगा लिया और पीस है ना जोड़ जोड़ के करे थे अंदर, तो वैसे पट्टियाँ बचरी हुई थी तो उसी से मैंने ये एक सुंदर सा बैग अपना रेडी कर लिया है। और देखिए देखने के बाद है ना सुंदर भी लग रहा है और यूज़फुल भी है। इसमें आप है ना बहुत सारा सामान अपना ले रख सकते हो और अगर आप है ना इसको मार्केट पे भी ले जाना चाहो तो भी बेकार नहीं लग रहा है। और ये जो बैग की, हाँ मैं बताना भूल गई, ये जो बैग की जो पट्टियाँ है ना ये मैंने अथर्व का बैग फाड़ के इसमें से चैन निकाली थी जो उसका बेकार था, मुझे फेंकना था, तो उसकी चैन और ये जो पट्टी है ना मैंने निकाल के रख ली थी। तो उसी से मेरा बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। और देखिए यहाँ पर फिर दोपहर का टाइम था, छुट्टियों में ये कुछ करती ही रहती है, ये मेरा है ना नेल आर्ट कर रही थी, अपना पिटारा खोल के बैठ गई। मैं भी हाथ करके बैठ जाती हूँ, मैंने कहा चल लगेगी कुछ ना कुछ सीखेगी ही, अभी गंदा कर रही है तो कुछ अच्छा भी करेगी, कुछ ना कुछ सीख ही जाएगी। तो
ये कर रही है मेरे हाथ पे नेल आर्ट। अब जैसा भी कुछ होगा करती रहेगी। देखिए ये महाशय जी रहे हैं खेल, और तो कुछ इस तरह से देखिए मेरा नेल आर्ट हो गया है। सफाई तो नहीं आई है लेकिन करने की कोशिश की है, अच्छा किया है, जितना भी किया है इसी तरह सीख जाएगी। तो इतना ही था वीडियो में, बाकी फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।